बास मतलब बास का जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम सब लोग बैठे हैं धूप में और ये है शुभमदा, मस्त घाम सेक रहे हैं सब बात ये है शिवानी और अभी बैठे बैठे हम लोगों का प्लान बना है कि हम आज नींबू सान के खाएंगे। नहीं नहीं, दो प्लान है, अब देखते हैं किसमें ज्यादा वोट आएंगे। हाँ। और जानने के लिए बने रहे ब्लॉग में कौन सा प्लान हमारा सक्सेस होता है। फिलहाल अभी हमने गरिमा को भेजा है गरिमा के घर पे भांग लेने। मके कह रही आप मामा है के क्या के कह रही मुझे भी खाना खाती हूं गरिमा भी आ चुकी है भांग लेके और ये शुभमदा ने हमारा गेट तोड़ दिया आज पहाड़ी गेट। हाँ ये तो काफी हो गया। हाँ चलो जा ताई को दे जा नमक पीस लोगे थे गेट लग गया याला भी तो डालो याला लग गया। तो यहाँ होने लग गई है नमक की तैयारी और शिवानी ने अभी भांग भुन दिए हैं। ये है लहसुन अब वो हाथ लग रहा है। तो हमारे साथ साथ यहाँ गरिमा सीख रही है नमक पीसना ला और नींबू सानना। गिराएगी अब आमा आमा कुछ कह रही लग गया क्या आमा लोड जब तो तरार शिवानी थी जब तो सब लोड में लग गया हाँ मैं कह रही शिवानी का जितना तराड़ था सब नमक पीसने में ही लग गया वाला मैं पीसो ला अब ताई पीसे अब बारी आई हमारी ताई की ये मैं किसी से कम नहीं ऐसे पीसते हैं वाल ये शिवानी भी तेरे दामन में मिला सी अब घर में मालता लाती हो रुक जा। तो ये हमारे आ चुके हैं नींबू और ये हमारा नमक भी रेडी है, अभी इनको छिलते हैं फिर सानेंगे। हो जाता है थोड़ी देर में हमारे घर में दो चुने अभी भावेश भी अपनी दुआ में तो रही है इससे तू तब तक घर रह संजय अगर मैं तेरे को आवाज लगाऊंगी आवाज लगाऊंगी मैंने कहा फोन करूंगी तब आएगा बस इतना ही बनाएगा तू बैठ जा पता है इतना पहले देख तो ले गरिमा खाना टेस्ट में भी इम्पोर्टेंट है ब्लॉग इम्पोर्टेंट है सुबह का वाला दही भी डालेंगे तो ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। अरे मलाई जैसा ये कितना खपता है घर का दही है दुकान का गिलास में वैसे ही बची है वो खड़ी तो इसमें चीनी भी डाल दो तब तक क्या चाची के यहां बस है हो जाता है फिर बस करूं जिन्हें क्या बोले देखिए मैंने पार से छोटा हो ये जरूर ताकि क्या हो क्या हो केले लाया तू कब गई थी वहाँ निहाल कल मुझे नहीं आता बोलते भी रहो ना तो चली बोल दी क्या देखते मर गाल को तो लाल सी गए मेरे को ये फाट की जगह तब हरी लाल फाट नहीं जानू जा क्या खा रही है पराठे खिलाते हैं पूरी खिलाते हैं कल बिना आलू की सब्जी खिलाई अगर जुखाम निकला तब देखना
उनकी माता जी ने भेजवाया था। मेरे को लगी रेडी ठगा ल यशो को दिया बुआ दुकान में उन्होंने वहीं दे जाते मेरे को मतलब दुकान मेरे को दुकान की जरूरत है बे दुकान में गिला ऐसे करी क्या करी मां मत जा तो तू मत जाओ घर ये इतना गंदा हो रहा है नीचे पे मत बैठना पजामा पहन ले तू जरा को दिखाने दे इसको उतना जो हो गया दे क्या है पापा गए नहीं अभी दाल दो कल्पू हाँ मम्मी का ना फोन कर ले इसमें सूखा नहीं पूरी मिला तो उस तरफ का सब गिलास गिलास में सब डालो इसका ये चीज में और अच्छा तू सीधा रास्ते वहीं कर आई है उठाते रे भावना का हुआ है। तो अभी हमारे क्या नींबू खत्म हो चुका है और ये संडे के दिन इतने चटोरे हो रहे हैं सारे सब खाना नहीं बनाएंगे वाला मैगी खाएंगे चटोरी को दिखाते थे और हमारी सबसे बड़ी चटोरी है क्या क्या है अंदर अंदर क्या है ये तो बताओ बताओ क्या क्या है बता रहे थे अभी तक मटर हाँ शिमला मिर्च गाजर जे जे दाल चावल जे दाल चावल गरी मस्कना जे जे दाल चावल ओए तुझे क्या होगी नहीं मिले क्या हो नहीं मेरे ख्याल से सारी भाषा समझ गई केले का मतलब नहीं क्या हो मतलब केला ये तुझे समझ नहीं आया उसको नहीं आया यार क्या हो आमा किससे जलाते हो हल से जलाते हो आमा को भी तेरे मालिश मैगी आए ना आए हम आग तो जला ही लेते हैं मैगी 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 भी आ चुकी है हमारी और हमारी आज की शेफ है गरिमा सिंह मैगी बनाएगी ना जा अभी मैं जा रही हूँ दौड़ दौड़ के क्योंकि ताई निकाल रही है टान से प्याज और मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ी घरों में स्टोर कैसा होता है हमारी ताई चढ़ चुकी है टान में और पहाड़ में जितने भी घर होंगे उन सब जगह में ऐसे टान होते हैं और ये स्टोर रूम होता है तो यहाँ ताई का पूरा स्टोर है ये हमारी स्पाइडर वमेन उतर रही है चलो हमारे नए शेफ इतनी जिद में लगे हैं बेटा पहले मसाला क्यों पकड़ा है पहले तेल डालते हैं उसमें अभी रुक जा शुभम भाई जी डालेंगे बताएगा वो तुझे तू खड़े रहो अरे रुक अरे रुकना सीख फिर सीलू चले जाएगी फिर तो तू नहीं इधर आना है आ जा इधर आ पैकेट खोलिए खाली पैक मसाला निकाल के बस इतना ही डालो भिनेर काम कर भिनेर लाओ वो दो शिमला मिर्च डाल दिया गरिमा शिमला मिर्च
चौजी को भी बिना रे ना चौजी हां हां दादी हम तो आ गए हमारा यू वाला है वो आयोडीन का हां कितने का आता है 26 का आता है कितने का रेस्ट कर लो रे दिनेरी वाले में हरी वाली ला इसमें डालेंगे मैगेला गरिमा भिनेर जानती हो हम तो ले इसके बाद शब्द बोलेंगे तुझे हाँ मैं तो फायर जल्दी बताना होगा चलो शुभम दा और हाँ डेग बता दे डेग भिनेर हमने खाना खा लिया था हाँ भिनेर अंदर भिनेर अंदर भितेर होता है अंदर भितेर होता है अंदर भितेर होता है अंदर और भिनेर क्या होता है भिनेर चूल्हा क्या हो क्या होता है क्या हो है केला और शो एक शो और होती है शेरवानी में घाम छाव को बोलते हैं शो और पूछो तो शुभम दा सितरायन तूने सुना है कभी क्या सुना है उत्तरायण उत्तरायण क्या होता है गुगुते वाली हाँ सितरायन बास होती है पहाड़ियों में बास के भी कितने नाम है ना बास मतलब बास का बास मतलब बदबू होता है सैफ बैठे हैं मोटा दे रहे हैं वो वहाँ आग लगी है टेक ही गिरा दिया दो मिनट सब सही हो जाएगा अभी ठीक है कलर आगे लग नहीं रही आगे वो है नाइस लग रही है इसको पकड़ मत चल गरिमा वो मैगी की प्लेट बची है मैंने उसको बताया था हाँ तो फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है और काफी अच्छी खुशबू आ रही है कल मैं 7 बजे गरिमा सिंह भूख लग गई अभी तो खाया है तूने नींबू उससे भूख छोड़ना नहीं अच्छा चम्मच अरे ग्रेन तुम्हारी गाड़ी यही है तो छक्के में हमने और बचाई है अभी कैसी हो रही है रिव्यू लो कैसी हो रही है बहुत ताओ कैसी हो रही खाने को ताई की प्लेट की भी ले लिया ये हमारे परिवार में खानदानी आदत है के खरा ची तो गाइस ये ताऊ रद्दी हो रही कह रहे थे दोबारा हम लेने आ गए या कैसी हो रही रद्दी चूल्हे में यूट्यूबर्स को आज हम पूछेंगे कि उनका रिव्यू जानते हैं कि कैसा लगा उनको तो बताइए कृतिका मैम बहुत अच्छा लगा मैगी खा के आज हमने चूल्हे में पकी हुई मैगी खाई बड़ा मजा आया ठीक है अब इनकी दीदी हमारी 2024 की बन्नी से पूछते हैं बताओ बन्ना बन्नी कैसी लगा कैसी लगी ब्राइट हो भी और ये ब्राइट का हमारा सिग्निफिकेंट इसका बैठने का स्टाइल है हमारा छोड़ो ऐसे बैठना सीख रहे हैं
मैगी जितनों ने गंदी है खाई ना, सबसे पहले ताऊ दोबारा मांगे है और गरु अभी भी खा रही है। तो आज का तो हमारा हो गया, पहले हमने नींबू खाया, उसके बाद हमने खाई मैगी, और अगले संडे ताई बताएगी हम क्या खाएंगे। ताई बताओ यार, प्लीज ताई बताओ। किसके गणेश पूजा? अरे गणेश अगले तो आ रहे हैं। तो अगले संडे हम लोग खाने वाले हैं माइक्रो अंडा। और अगर आप लोग को पता है माइक्रो अंडा तो कमेंट करके बता दो, वरना वेट करिए अगले ब्लॉग का, घर वाला ब्लॉग देखते रहिए माइक्रो अंडा क्या है। और बाकी जिसको नहीं पता है कि शिवानी की शादी हो रही है, देख लो शिवानी, कि अब हम पूरे विंटर्स में इसकी पार्टी कराएंगे। अब हम बिल्कुल डेली व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, शिवानी जब तक यहाँ है। हाँ, तो शिवानी ने आज मेकअप, आज शिवानी ने हेयर स्पा, आज शिवानी ने वैक्सिंग, ये सारा कृतिका पोखरिया व्लॉग्स में आपको दिखता रहेगा। थोड़ी देर में दाढ़ भी मार देता है जैद। मारते